दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े होते जा रहे हैं कि आखिर गलत कौन है, सिद्धार्थ या आसिम। कहीं ना कहीं सब लोग बहुत सारे पोल क्रिएट कर रहे हैं जहां पर पूछ रहे हैं सिद्धार्थ सही है या आसिम सही है। वहां पे कई फैंस बोल रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि गलत कौन है, कलर्स वाले तो खुद देख रहे हैं, तो कलर्स वाले ये पोल क्यों क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं फैंस के द्वारा सिद्धार्थ एंड आसिम दोनों के। पर दोस्तों यहां डिसाइडिंग फैक्टर तो करना होगा कि सिद्धार्थ और आसिम में सही कौन और गलत कौन, या दोनों सही और दोनों गलत। मैं आपको कुछ क्लिप्स हैं दोस्तों उनके बारे में डिटेल्ड बता रहा हूं और आप बताना कि क्या हो गया सिद्धार्थ से ऐसा और आसिम ने क्या गलत कर दिया। चलो दोस्तों मैं बात करूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे पहली बातें के सभी वीडियो की। चलो दोस्तों बात करते हैं शुरुआती जो शुरुआत है मुद्दा, क्योंकि मैं जब भी अगर बोलूंगा शुरुआत तो कहीं ना कहीं जो लोग गलत होते हैं उनके फैंस बोलते हैं कि यहां से क्यों लिया, तुम यहां से टॉपिक उठाओ। तो मैं दोस्तों बता दूं कि कहीं ना कहीं जो खाने को लेकर हुआ कम्युनिकेशन, वहां पर सिद्धार्थ दूर खड़े होकर सुन रहे थे और ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ को उसमें एंटर करना था लेकिन कोई टॉपिक उनके रिलेटेड नहीं था इसलिए वो दूर खड़े थे। फिर वहीं कहीं ना कहीं जब विशाल बोलना शुरू किए तब वहां पर सिद्धार्थ ने विशाल को बोला कि विशाल तू मत बोल, दोनों अपने अपने मुद्दे पे लड़ रहे हैं, तू दूर रहे। यहां पर आसिम को मिला मौका और आसिम ने ले लिया सिद्धार्थ को आड़े हाथे और सिद्धार्थ से बात करने लगे आसिम। वहां पर सिद्धार्थ बहुत ज्यादा चिढ़ गए क्योंकि आसिम जिस तरीके से बात करते हैं वो शायद सिद्धार्थ को पसंद नहीं आता है। आसिम कैसे भी बात करे लेकिन सिद्धार्थ को ये पसंद नहीं आता है। वहीं टास्क के दौरान ऐसा हुआ दोस्तों कि जो सिद्धार्थ थे वो पहले से ही चाहते, हर कोई टीम चाह रहा था मेरी जीते। आसिम भले से संचालक थे लेकिन आसिम भी चाहते थे कि उनका बंदा इलाइट क्लब का मेंबर बने। हालांकि यहां पर सिद्धार्थ भी वही चाहते थे मेरे बंदे इलाइट मेंबर। प्लान के हिसाब से सब कुछ सही जा रहा था, वहां विशाल उतर गए घोड़े से। दोस्तों क्वेश्चन मार्क ये था कि जब सिद्धार्थ ने बोला कि वो घोड़े से उतरा, आसिम की नजरें सीधी थी, रश्मि ने एक्सेप्ट किया लेकिन आसिम ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि जब आसिम ने नहीं एक्सेप्ट किया, चलो मैं एग्जैक्टली समझ सकता हूं, लेकिन अगर आप पारस भी बन रहे हो तो पारस कम से कम संचालक बनते वक्त एक्सेप्ट करता है कि भाई मैं संचालक हूं, मैं जैसा बोलूंगा वही होगा, अगर तुमको लगता है मैं चीटिंग कर रहा हूं तो मैं चीटिंग कर रहा हूं। पर यहां पर आसिम ने वो स्टेटमेंट नहीं यूज किया, वो बोले मैंने देखा ही नहीं है। बात वहां से बढ़ गई, रश्मि एंड सिद्धार्थ की वो कॉन्वर्सेशन जो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इरिटेट कर दी आसिम को कि ये क्या फालतूगिरी है, मैं जिसके लिए उसके साथ छोड़कर इसके साथ हूं अब ये जाके उसी से बात कर रही है। इतना सब कुछ ठीक था दोस्तों, लेकिन जिस हिसाब से आसिम ने, मैं ये नहीं कहूंगा प्रोवोकेशन, लेकिन आसिम को मिली सिद्धार्थ की एक नब्ज और जिसे वो दबाते रहे। और दोस्तों है ये बात कि अगर आप किसी की नेगेटिव नब्ज दबाओगे तो दर्द होगा, और इसी बीच में जब वो नब्ज दबा रहे थे सिद्धार्थ का, वहीं पर स्टेटमेंट निकल गया सिद्धार्थ के मुंह से जो कि बहुत गलत स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि तेरे पिताजी की गलती है तू और उमर रियाज। हालांकि उनके भाई को लाने की कोई जरूरत नहीं थी बीच में, जो आसिम के साथ चल रहा था वही ठीक था, पर कहीं ना कहीं ये लाकर ये सिद्धार्थ की एक थोड़ी सी गलती दिखती है। लेकिन वही कहीं ना कहीं आसिम जिस तरीके से, एक होता है किसी को रिस्पेक्टफुल्ली आप बोलते हो कि भाई अच्छा ठीक है छोड़ मैटर क्लोज, लेकिन नहीं, यहां पर सार्केस्टिकली जो आसिम ने उनका नब्ज दबाया है और जिस तरीके से उनका मजा लिया है, ये टर्न हो गया है टेबल पूरी तरह आसिम के फेवर में और आसिम बहुत अच्छे से यहां पर लेकर चले गए। पर यहां पर सिद्धार्थ ने अपना आपा खो दिया, बिकॉज क्या है, शायद सिद्धार्थ का जो पेशेंस लेवल था वो एक लिमिट तक है, अब उनको महसूस होने लगा कि नहीं यहां पर अब मेरा रेस्पेक्ट खो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आसिम को भी देखता हूं कि जब आसिम को लोग बोलते हैं तू चले जाना पीछे तो आसिम नहीं हटते, क्योंकि आसिम को वहां फील होता है कि अगर मैं पीछे हटा तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी ईगो डाउन हो जाएगी। सेम वैसे ही जब आसिम उस तरीके का बिहेव करते हैं तो सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी ईगो और मेरा रेस्पेक्ट डाउन हो जाएगा। और इसी बीच जो वो पारा, जो द काइंड ऑफ द लेवल ऑफ प्रोवोकेशन, द लेवल ऑफ वो नब्स दबाना, वीक नब्स, मैं ये कहूंगा कि देखो अगर एक तरीके से देखा जाए गेम को लेकर बिग बॉस के, तो आसिम वॉज प्लेइंग वेरी वेल, जहां पर वो आसिम अपने तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन द वे ही वॉज प्रोवोकिंग सिद्धार्थ शुक्ला वॉज वेरी रॉन्ग, क्योंकि एक है कि उसका इमेज है, वहीं पर एज है,
वहीं पर एक रेस्पेक्ट है, आप उसको चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि उस चुनौती को जब आप टच करने जाओगे तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। एंड मेनी ऑफ द फैंस जो है वो चिढ़ गए थे वाइल वॉचिंग द यस्टरडे एपिसोड, तो वो चीजें उस प्रेशराइज में कि वो समझ में आ रहा था जब कन्फेशन रूम में बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे सिद्धार्थ, और जिस तरीके से मिसबिहेव किया आसिम ने बिग बॉस के साथ, तो उन्होंने बोला कि उसी का क्यों सुनना, मेरा भी सुन लो, मेरे को भी उतना ही मौका दो। वहां पर जिस तरीके ने सिद्धार्थ रिप्लाई किया कि अच्छा तू ही पहले बात कर ले और बाद में मैं बात करता हूं, वो सामने सामने नजर आ रहा था कि जो उनका लेवल था, जो एक बार उन्होंने सेट किया, जो थिन लाइन थी, उसको कहीं ना कहीं आसिम ने क्रॉस कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट सिद्धार्थ हो गए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और इसकी वजह से उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि भाई एक काम करो बिग बॉस, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मैं इसकी विश पूरी कर देता हूं। जो स्टेटमेंट आसिम ने दिया था कि जो तू करेगा वो मैं भी कर सकता हूं, वॉज अ वेरी पथेटिक स्टेटमेंट गिवन बाय द आसिम। आसिम के फैंस ये सोच सकते हैं कि ठीक है यार, दिया टक्कर, एकदम टक्कर, लेकिन एक टक्कर देना स्मार्टली सेंसिबली इस लुक्स वेरी नाइस, लेकिन आप जब वही चीज का बाउंड्री क्रॉस करते हो तो वही, जैसे पारस ने सलमान को रिप्लाई दिया वॉज वेरी पथेटिक रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से वहीं पर पारा खो बैठे सलमान खान एज वेल, और वो पारस के ऊपर भड़क पड़े। हालांकि ही वॉज होस्टिंग एंड उनके दिमाग में इतना था, इसके वजह से वो थोड़ा कंट्रोल कर गए, अदरवाइज वही सेम कंडीशन हुआ सिद्धार्थ के साथ। दोस्तों ये आपका निर्णय है, फैंस होकर ना सोचिए एक न्यूट्रल फेस कि क्या किया जा सकता था एंड कौन सी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, आपको लगता है मैंने सही डिस्क्राइब किया है दोनों पक्ष को, जरूर वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कौन रॉन्ग क्या राइट और आपका क्या मत है। थैंक यू।